हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, समय है आपके प्रश्नों का जवाब देने का। सवाल आपके, जवाब हमारे। आज पूरे दिन में हमारे चैनल पर पूछे गए प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं। क्या मातृत्व अवकाश पर रहते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा सकता है? 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं? अर्नड लीव के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाएं? दांत के काले धब्बों को प्राकृतिक तरीके से कैसे हटाएं? दोस्तों, आज हमने इन चार प्रश्नों पर विचार किया है। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और इन प्रश्नों को पूछने वाले लोग भी अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमें उनके जो है प्रश्नों पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं चार प्रश्न हैं, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। और आप भी जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई सवाल है, किसी प्रकार का आप प्रश्न पूछते हैं, कि आप हमारे चैनल पर आइए और हमारी वीडियोस पर कमेंट कीजिए। हम आपके प्रश्नों को प्रमुखता देंगे, हम आपके प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे और आपको शाम को आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सवाल आपके, जवाब हमारे नामक टाइटल में प्रतिदिन हम अपनी वीडियो को डालेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या मातृत्व अवकाश पर रहते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा सकता है? क्योंकि किसी को भी इमरजेंसी पड़ सकती है। मातृत्व अवकाश आपका खत्म हुआ और मालूम पड़ा कि आपके शिशु की हालत ठीक नहीं है या आपकी ही हालत ठीक नहीं है, क्योंकि मातृत्व जैसा संवेदनशील मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कोई और अवकाश लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? तो आइए इस संबंध में हम आपको वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 के नियम को लेकर के थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसी पॉइंट पर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा कि मैनुअल एक अलग तरीका है, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर आजकल सारी लीव मिलती हैं। तो मानव संपदा पोर्टल का नियम यह है कि जब तक आप एक प्रकार की लीव को ज्वाइन नहीं कर लेंगे, तब तक आप दूसरे प्रकार की लीव को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह नियम है वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के बारे में लिखा गया है। वहीं से मैं ये अंश जो है स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं और आपको बता रहा हूं। आप यहां पर देखिए, मातृत्व अवकाश की निरंतरता में, अर्थात आपका मातृत्व अवकाश चल रहा है। निरंतरता का मतलब कंटिन्यूटी, मातृत्व अवकाश आपका कंटिन्यू है, जारी है। ऐसी स्थिति में नियमित छुट्टी भी दी जा सकती है। नियमित का मतलब रेगुलर हॉलीडे, रेगुलर हॉलीडे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि चांसेस हैं। जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या हम सीसीएल ले सकते हैं, तो इसके चांसेस बनते हैं। नियमित छुट्टी भी दी जा सकती है, लेकिन यह नवजात शिशु की बीमारी की स्थिति में तब ही दी जाएगी जब उक्त कर्मचारी चिकित्सा परिचर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह लिखा होगा कि बीमार शिशु को माँ की जरूरत है और उनकी उपस्थिति शिशु के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अगर आप मातृत्व अवकाश पर हैं, कंटिन्यू आपका मातृत्व अवकाश है, तो जिस दिन आपका मातृत्व अवकाश समाप्त हो रहा है, उसी दिन से आगे आप जो है कोई नियमित हॉलीडे ले सकते हैं, कोई नियमित जो है लीव ले सकते हैं, नियमित छुट्टी ले सकते हैं, बशर्ते आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी कि आपका नवजात शिशु बीमार है और किसी डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा करके या आपको प्रमाणित करना होगा कि बीमार शिशु को माँ की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी कंडीशन में जो है आप लीव ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अधिकारियों को, अर्थात अपने खंड शिक्षा अधिकारी या अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विश्वास में लेना होगा और उनसे जो है इस बाबत बात करनी होगी। तो आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं।
आशा करता हूं कि पहला प्रश्न जिन्होंने पूछा था उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा, हमारी तरफ से जवाब मिल गया होगा। दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, आठवां वेतन आयोग आएगा या नहीं। तो यह भी एक जो है जटिल सवाल है। मैं किसी भी प्रमाण के यह बात कहना चाहूंगा कि अगर केंद्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चाह ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी समय आठवां वेतन आयोग आ सकता है, लेकिन जो संभावनाएं, जो नियम, जो कानून और जो बने, जो कहा गया, जो सामने आया, उसके अनुसार तो आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। आइए हम इस पक्ष में कुछ आपको प्रमाण भी दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट की माने तो इसमें कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए सातवां वेतन आयोग ही आखिरी हो, यानी आठवां वेतन आयोग आए ही नहीं। इन संभावनाओं के बीच सरकार कर्मचारियों के वेतन में इजाफे के लिए नया फार्मूला ढूंढ रही है। सूत्रों के अनुसार नए फार्मूले के तहत कर्मचारियों का वेतन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगा। हालांकि अभी इस योजना पर मुहर नहीं लगी है, बल्कि इस दिशा में विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फार्मूले के तहत 50% डीए होने पर वेतन में अपने आप इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार अगर इस तरह का कोई नियम लाती है तो इस फैसले का असर 47,00,000 कर्मचारियों और 68,00,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा, लेकिन इसका सबसे सकारात्मक असर निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा। हालांकि अभी इस बारे में सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस पर काम जारी है। साथ ही सरकार की आठवें वेतन आयोग को लाने की कोई योजना नहीं है। तो दोस्तों एक तो ये रिपोर्ट रही, अब आइए हम इसके समर्थन में आपको सेवंथ पे मैट्रिक्स दिखाते हैं, उस पर हम कोई बातचीत करते हैं। दोस्तों इस समय आप सेवंथ पे मैट्रिक्स देख रहे हैं। सेवंथ पे मैट्रिक्स के आधार पर जो प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर थे जिनका ग्रेड पे 4200 था, इनिशियल पेमेंट उनका 35,400 था और सातवां वेतन आयोग आते ही सेवंथ पे कमीशन ने निर्धारित कर दिया था कि इसके बाद अब कोई वेतन आयोग नहीं आएगा, बल्कि इस फार्मूले के तहत ही लोगों का वेतन बढ़ता हुआ चला जाएगा जो पे मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है। अर्थात आप यहाँ पर देखिए, पहला साल जो नियुक्त टीचर है उसको 35,400 रुपये मिलेंगे और ये लगातार बढ़ते बढ़ते आप देख पा रहे हैं लगातार 40 साल तक जा रहा है, 40 साल तक जा रहा है। अर्थात बीच में कोई रुकावट नहीं है। पहले जो भी संभावनाएं बनती थी वो 10 साल की बनती थी, अब यहाँ पर 40 साल की बन गई है। 1,12,400, अगर आप 40 साल नौकरी करेंगे तो आपका मूल वेतन आखिरी में 1,12,400 होगा, यानी आठवें वेतन आयोग की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि जो नियम बना है, जो कानून बना है, उसके हिसाब से तो आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई संशोधन करती है तो आ भी सकता है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, अर्नड लीव के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 नियम 2 से 4 है उसको मैंने पूरा अध्ययन किया है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अर्नड लीव के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे ही बनाएंगे जो आपको आकस्मिक अवकाश देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये बात आ रही है कि जो नया नियम आया है, नया नियम के तहत जो आपका प्रधानाध्यापक है वो अधिकतर 4 दिनों तक लगातार आपको आकस्मिक अवकाश दे सकते हैं। अगर आपको लगातार 5 दिन का आकस्मिक अवकाश चाहिए तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रधानाध्यापक 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे सकते हैं, लेकिन बीच बीच में गैपिंग होनी चाहिए, लगातार नहीं होनी चाहिए। 4 दिन से ज़्यादा लगातार अवकाश नहीं होना चाहिए। आप रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने खंड शिक्षा अधिकारी
को ही बनाएं। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों, दांत के काले धब्बों को प्राकृतिक तरीके से कैसे हटाएं। दोस्तों हमारे एक मित्र ने बहुत ही हमारे पास कई बार जो है उसने कमेंट लिखा कि सर हमारे दांत में काले धब्बे हो गए हैं, हमारे पैर में चोट लग गई थी, हमने जो है कैल्शियम और आयरन की गोलियां खाई हैं जिसकी वजह से हमारे दांत काले हो गए हैं, तो हमें आप बताइए कि प्राकृतिक तरीकों से कैसे हटाएं। तो ऐसा संभावना किसी और के भी साथ हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि दांत के काले धब्बों को प्राकृतिक तरीके से हटाने के क्या नियम हैं, कैसे आप हटा सकते हैं। प्रिय मित्र, अगर आप हमारी वीडियो इस समय देख रहे हैं तो हम आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और आपकी कुछ समस्याओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके दांत में काले धब्बे बन गए हैं तो उसको प्राकृतिक तरीके से हटाने के कुछ नियम ये हैं कि पहले तो हरी कच्ची सब्जियां खाएं। दांतों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए कच्ची हरी सब्जियां खाना चाहिए। इन हरी सब्जियों में ऐसे पोषक तत्व और खनिज पदार्थ होते हैं जो दांतों को साफ करने, चमक बढ़ाने और दाग धब्बों को दूर करने में मददगार होते हैं। सब्जियां न केवल दांतों को साफ रखते हैं बल्कि मुंह की बदबू से भी छुटकारा दिलाते हैं। आपको भी लगता है कि आपके दांत साफ नहीं हैं तो हरी कच्ची सब्जियां खाएं, इससे दांत भी साफ होंगे और कई पोषक तत्व भी आपको मिलेंगे। फिर दूसरी बात है तुलसी के पत्ते। दांत गंदे होने पर तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भी फायदेमंद साबित होता है। दरअसल तुलसी में बहुत से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो दांतों को चमकदार बनाने में सहायक होते हैं। तुलसी के पत्तों को सुखाकर अच्छे से पीसकर उसे सरसों के तेल में मिलाकर अपने दांतों पर लगाएं। केवल पाउडर का इस्तेमाल भी दांतों के लिए कर सकते हैं। संतरे के छिलके को छील उसे तुलसी के पाउडर में मिलाकर दांतों पर ब्रश करने से भी दांतों का कालापन दूर होता है। नमक का उपयोग दांतों का कालापन दूर करने का रास्ता और आसान उपाय है नमक का इस्तेमाल। दांतों का कालापन दूर करने और इन्हें चमकाने के लिए नमक का प्रयोग फायदेमंद रहता है। आप एक चुटकी नमक लें और इसे हल्के हल्के अपने दांतों पर रगड़ें। ऐसा करने से आपके दांतों में जमी हुई काली पट्टी का या काले निशान आसानी से दूर हो जाएंगे। यदि आप लंबे समय तक इस नुस्खे को आजमाते हैं तो आपके दांतों का कालापन दूर हो जाएगा और आपके दांत चमक उठेंगे। चबाकर खाएं सेब। रोजाना 2 सेब अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाने से दांतों की सफाई होती है, इससे दांतों का कालापन और पीलापन दूर होता है। इसी तरह गाजर और खीरे को भी खूब चबा चबा कर खाने से दांतों की गंदगी दूर होती है। इन फलों को खाने की आदत बना लें ताकि आपके दांत साफ बने रहें। संतरे का छिलका। संतरे का छिलका भी दांतों को साफ करने में मददगार होता है। आप संतरे के छिलके के अंदर के हिस्से को अच्छे से अपने दांतों पर रगड़ें, इससे दांतों का कालापन दूर होगा। संतरे के छिलकों को सुखाकर अच्छे से पीसकर उसे ब्रश करें, थोड़े ही दिनों में दांत चमक उठेंगे। फिर पानी। पानी दांतों को हाइड्रेट रखता है। पानी से कुल्ला करने और पीने से दांतों पर अम्लता का असर कम हो जाता है। पानी दांतों पर जमी अल्कोहल और पिगमेंट खाद्य पदार्थ के कारण गंदी परत को हटाकर दांतों को साफ सुथरा बनाता है। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी दांतों के कालापन को दूर करता है। स्ट्रॉबेरी के गूदे को बेकिंग सोडा और नमक के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 5 से 10 मिनट के लिए प्रभावित दांतों में रोजाना रगड़ें, इस दांतों के ऊपर जमी गंदगी दूर होगी। तो दोस्तों आज इतने ही प्रमुख प्रश्न थे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न गूंज रहे हैं, आपको भी किसी प्रकार की जानकारी अर्जित नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और आपको शाम को इंतज़ार कीजिए। शाम को हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।